राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट अब हमारे पास यहाँ पे ए बी लाइन सेगमेंट होगी और राइट बाय सेक्टर क्या होता है अब बाय सेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू दाइन सेगमेंट ओके जी वो बाय सेक्टर जो लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर होगा एंड पास इज थ्रू इट्स मिड पॉइंट तो जो लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट को बाई सेक्टर टच करेगा दैट इज़ काल्ड राइट बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट राइट बाय सेक्टर मीन वहाँ का राइट एंगल वहाँ पे बनेगा नाइन्टी डिग्री का एंगल जो बनाएगा बाय सेक्टर लाइन सेगमेंट के मिड पे दैट इज कॉल्ड राइट बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट नेक्स्ट डेफिनेशन है जी बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट बाई मीन टू सेक्टर हो जाएंगे इसके पार्ट्स या पोर्शन बाई सेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना सो बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट अ लाइन इज कार्ल्ड बाक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ इट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स लाइन सेगमेंट अगर एक लाइन को इक्वल रेशोज में बाइसेक्ट करेगी दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी देन दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन बाय ऑफ अ लाइन ठीक है जी थी, बाई सेक्टर बाई का मतलब होगा टू सेक्टर मीन पोर्शन या पार्ट्स नेक्स्ट वन इज एंगल बाई सेक्टर अब यहाँ पे हमारे पास एंगल होगा ए बी सी इस एंगल को जो रे दो पार्ट्स में या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी सो दैट रे इज़ कॉल्ड एंगल बाई सेक्टर और रे विच डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू पार्ट्स इज कॉल्ड एंगल बाई सेक्टर सिंपली आपने यहाँ पे याद रखना है बाई का मतलब क्या होगा टू एंड सेक्टर मीन पोर्शन सो एक रे होगी जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी सो दैट इज कॉल्ड एंगल बाई सेक्टर सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज पॉइंट ऑफ कंकुरेंसी अ कॉमन पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंकुरेंसी स्ट्रेट लाइन जब हम ड्रा करेंगे तो सब की सब एक कॉमन पॉइंट से पास होंगी सो दैट कॉमन पॉइंट एयर इज पॉइंट पी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंकुरेंसी एनी नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्राम अ पॉइंट एंड दे मीट एट दैट पॉइंट सो द पॉइंट एट विच स्ट्रेट लाइन्स मीट ईच अदर इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंकुरेंसी